खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। बलिया में बेलथर रोड कस्बा में बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर दयाल फाउंडेशन की ओर से GMAM इंटर कॉलेज के परिसर में 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन 1500 से ज्यादा मरीजों की निःशुल्क चिकित्सकों द्वारा जाँच कर दवाइयाँ दी गयी। फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं समाज सेवी राजेश सिंह दयाल ने 11 शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर कस्बा के आसपास के लोग बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य शिविर पर आए, अपना जांच कराकर दवाइयां प्राप्त की और दवा प्राप्त करने के बाद लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया। क्षेत्र की जनता ने बताया कि इस तरह का कार्य आजादी के बाद अभी तक किसी ने नहीं किया। ये कार्य सराहनीय है और इस तरह के कार्य होना भी चाहिए। ये इलाका पिछड़ा है और इस तरह के कार्य से यहाँ के लोगों को काफी सहूलियत मिल रहा है। अगर इनका कार्य इसी तरह रहा तो आने वाले 2024 के चुनाव में इन्हें चुनाव जीता कर हम लोग दिल्ली भी भेजेंगे। एक पीड़ित महिला की माने तो वह महिला 2 वर्षों तक तबीयत खराब होने के कारण वे परेशान थी और आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में आई, डॉक्टर से दिखाई, जांच कराई और दवा प्राप्त की है। दवा प्राप्त करने के बाद पीड़ित महिला ने राजेश सिंह दयाल को दिल से धन्यवाद दिया और बताया कि पिछले 2 वर्षों से वह परेशान थी और आज दवा लेकर जा रही है, फिर आगे जैसा होगा उसके हिसाब से फिर उपचार कराएगी। इसमें हर तरह की इलाज है, फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन है, बच्चों का डॉक्टर है, महिला का डॉक्टर है, उसके बाद सांस का डॉक्टर है, अपना सब तरह के डॉक्टर हैं, आँख का डॉक्टर है। ये कैंप लगा है, अभी तक कितने मरीज लगभग अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं? अभी तक 1400 लोग दिखा चुके हैं और 3000 के ऊपर पेशेंट यहाँ पर चेक। देखा जाता है काफ़ी लगातार आप समाज सेवी के प्रति लगे रहते हैं, चाहे रेवती हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे अन्य जगह हो, चाहे सलेमपुर हो, चाहे तमाम जगह हो, आप हर इस तरह के विचार भावनाएं क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप यही कहना चाहेंगे कि समाज के हर व्यक्ति का समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होता है और वो सबको निभाना चाहिए। हमें लगता है आप लोग भी निभाते होंगे और सबको निभाना चाहिए। समाज से ही हम सब कुछ पाते हैं तो समाज को लौटाने का भी समय आता है, तो जो कुछ हो उसमें से एक हिस्सा समाज का होता है और सबको लौटाने का प्रयास करना चाहिए। ज़्यादा देखिए, प्रभु निमित्त बनाता है, उस निमित्त आप काम करते हैं, इसमें कोई महान कार्य नहीं है। बहुत लोग समाज में बड़ा बड़ा काम करे हैं, मदर टेरेसा इतना बड़ा काम की है, तो हम लोग तो एक बहुत छोटा प्रयास कर रहे हैं। अब ये एक दुर्भाग्य, क्षेत्र में इतना सामाजिक कार्य नहीं हुए, हमारा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र रह गया, लेकिन हम चाहते हैं कि समाज में जो युवा वर्ग है वो ये सबसे जुड़े, देखे और समझे, आगे वो लोग भी सामाजिक अपना जो कार्य है उसको आगे बढ़ाए। ऐसे एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि युवाओं को देना चाहते हैं, युवा भविष्य है हमारे देश का, और वो नशे से बचे, अनुशासित जीवन बिताए, तो हमको लगता है कि हम इसी से कल्याण है हमारे देश का। तो युवाओं को मैसेज देना चाहते हैं, बुराइयों से बचने का ही मैसेज है। अपना एक नाम बता दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम कांति शर्मा है, मैं चंद्रौल से आई हूँ और राजेश सिंह दयाल यहाँ पे DM स्कूल में कैंप लगवाए हैं। हमको जैसे शुगर की बीमारी है, हार्ट का तो दवा लिए हैं, दवा खाएंगे, मान लीजिए जैसा कि दो तीन जगह थी। हम कितने समय से परेशान थे? कम से कम 2 साल जी। आज जिस तरीके से उनके द्वारा ये इसका पैसा भी लगा है या नहीं? नहीं, ये भी पैसा नहीं लगा, कुछ कोई नहीं, सब जाँच सब निःशुल्क। जिस तरीके से उनका समाज के प्रति सेवा और निःशुल्क दवा मिला, काफ़ी आप परेशान थी, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? धन्यवाद देना चाहती हूँ, मतलब कि हर गरीब को ऐसे ही समझा। अपना नाम और परिचय बता दो। मैं सत्यानंद यादव, मेरा घर इंदौली है और ये हम सलेमपुर लोकसभा का जो है एकदम अंतिम क्षेत्र है और बहुत ही पिछड़ा है। आज़ादी के बाद आज तक इस तरह की कोई व्यवस्था किसी प्रतिनिधि के द्वारा नहीं हुआ सलेमपुर में, खासकर बेलथरा में नहीं। लेकिन राजेश सिंह ने इस तरह का लोगों के साथ दवा, मुफ्त दवा वितरण करके हर तरह का इलाज, चाहे वो हड्डी संबंधित हो, आँख संबंधित हो, हृदय संबंधित हो, सांस संबंधित हो, यह इन्होंने कायम कर दिया है कि अगर इस तरह से कोई समाज सेवा का कार्य व्यक्ति करता रहे तो मुझे लगता है कि राजेश सिंह को हम लोग तो आने वाले 24 में यहाँ से दिल्ली जिता करके भेजने का कार्य करेंगे। और आज तक आज़ादी के बाद इतना बेहतर कोई काम सलेमपुर में नहीं किया और बेलथरा में तो खास करके नहीं हुआ। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।